तो देखो यश की एक इंटरव्यू आया है द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, और ये पूरा इंटरव्यू टॉक्सिक के सेट पे हुआ है। और इस इंटरव्यू में यश ने काफी चीजों से पर्दा उठाया है। देखो, जब से यश ने KGF 1 और KGF 2 दिया है, तब से उनका स्टैंडअप नेक्स्ट लेवल चला गया है और उनकी हर एक मूवमेंट पर ऑडियंस की नजर रहती है। और इस इंटरव्यू में यश ने काफी रूमर को कन्फर्म किया और कुछ रूमर ऐसे भी है जिसको डिनाई किया, जैसे कि टॉक्सिक के फीमेल कास्ट को लेकर, टॉक्सिक के रिलीज डेट और टॉक्सिक मूवी क्यों पोस्टपोन हुई, और रामायण के ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ बात किया, काफी कुछ रिवील किया रामायण के बारे में, और KGF चैप्टर 3 के बारे में भी काफी कुछ अनफोल्ड किया, और KGF सलार से कनेक्टेड है या नहीं इसके ऊपर भी यश ने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एक एक करके सबके ऊपर हम बात करेंगे, सभी डिटेल के बारे में आपको बताएंगे जो यश ने हमारे साथ शेयर किया है उस इंटरव्यू में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उस इंटरव्यू को जाकर आप देख भी सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक मूवी के बारे में। तो टॉक्सिक मूवी का जो डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, उसको अगर तुम एमवी सा डायरेक्टर समझ रहे हो तो तुम काफी बड़े गलती कर रहे हो, क्योंकि इनकी काफी सारी मूवी है जो इंटरनेशनल अवार्ड में भी प्रीमियर हुई है, और इनकी एक मूवी है लाइस डाइस जिसको इंडिया से ऑफिशियल ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। इस लेवल की डायरेक्टर है वो, और टॉक्सिक मूवी को ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज करना चाहते हैं। और उस इंटरव्यू में यश ने ये रिवील करके बताया कि इस मूवी का जो नाम है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप, ये जो टाइटल है ये खुद यश ने मूवी के सीन और उसका एनवायरनमेंट देकर डिसाइड किया है। इस मूवी का जो कैरेक्टर है, एनवायरनमेंट है, वो टॉक्सिक लेवल का होने वाला है। और इस मूवी के जो मल्टीपल हीरोइन है, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारे और हीमा कुरैशी, इन सब का जब जिक्र हो रहा था तब यश का ये रिएक्शन देख के लग रहा था कि हाँ ये भी है, बट जैसे रिपोर्टर ने हीमा कुरैशी की नाम ली, यश ने वही इंटरप्ट कर दिया। इसका क्या मतलब, हीमा कुरैशी इस मूवी की कास्ट लिस्ट में नहीं है? और बात रही इस मूवी के पोस्टपोन होने की, तो इंटरव्यू में यश ने कहा है कि इस मूवी में काफी बड़े बड़े और काफी सारे कास्ट है, और उन सब कास्ट के डेट इशू के कारण इस मूवी को पोस्टपोन किया गया है। और बात रही रिलीज डेट की, इस मूवी का जिस तरीके से शूटिंग चल रहा है उसे देख के लग रहा है कि ये मूवी हमें 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। और वहीं नितेश तिवारी की जो रामायण मूवी आने वाली है वो कहीं पर भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, पर यश ने इस इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि रामायण मूवी एग्जिस्ट करती है, मतलब बन रही है। और यश ने इसके मेन कास्ट को भी कंफर्म कर दिया, रणबीर कपूर एज श्रीराम, साई पल्लवी एज सीता माता और यश एज अ रावण। और मेकर चाहते हैं कि इस मूवी को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाए, इसी के कारण इस मूवी के कास्ट नॉर्थ साउथ मतलब पूरे इंडिया से है। और ये भी उन्होंने रिवील किया कि इस मूवी के लिए नितेश तिवारी ने रणबीर कपूर को पहले ही कास्ट कर लिया था, और वो एक साउथ की एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो कि सीता माता का कैरेक्टर प्ले कर सके, और उन लोगों को साई पल्लवी से बेहतर कोई एक्ट्रेस नहीं मिली, और इसीलिए उन लोगों ने साई पल्लवी को साइन कर लिया। देखो, यश ने अभी तक एक भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, और उनसे पूछा गया कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का कारण क्या है। देखो, इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी एक्टर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है तो उसे इस इंडस्ट्री उसी तरीके से कास्ट करती रहती है नेगेटिव कैरेक्टर में ही। और इस मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का कारण क्या है, तो यश ने कहा, तो देखोगे तो रावण एक नेगेटिव कैरेक्टर है ही नहीं, वो एक विद्वान, ज्ञानी और एक योद्धा थे जो कि असुरों के ट्रैप में काफी बड़े असुर थे, और ये कैरेक्टर अपनी बहन की बदला लेने के लिए सीता माँ का अपहरण कर लिया था। कोई अगर तुम्हारे बहन पर हाथ उठा जाए तुम उसके हाथ काट देते हो, कुछ ऐसा ही रावण ने भी किया। पर रावण ने सोचा कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, और वो घमंड में आ गया था। तो एक नजरिए से देखोगे तो रावण एक कैरेक्टर है ही नहीं, और इस कैरेक्टर में यश को एक चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग लगा, जिसके कारण वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। और वहीं पर यश ने ये भी कंफर्म कर दिया कि KGF 3 बन रहा है। KGF 2 के बाद काफी रूमर फैल रहे थे कि इस मूवी का चैप्टर 3 आएगा या नहीं, पर इस इंटरव्यू में यश ने यह कंफर्म कर दिया कि चैप्टर 3 बनेगा, और उन्होंने कहा कि टॉक्सिक और रामायण के बाद वो KGF 3 पर काम करना शुरू कर देंगे। और इस मूवी का अभी तक स्क्रिप्ट तो रेडी नहीं है, पर एक शॉर्ट एंड आइडिया जिसको लेकर ये लोग कॉन्फिडेंट है। और यश ने एक और चीज से पर्दा उठाया, जिस चीज को लेकर इंटरनेट पर काफी डिबेट चल रहा है, KGF सलार से कनेक्टेड है या नहीं, और यश ने इसका आंसर दिया नहीं। तुम खुद ही देखो ना, सलार 2017 की टाइमलाइन में है और वो 90s की टाइमलाइन में है। तो यही थी यश की आने वाली 4 प्रोजेक्ट, टॉक्सिक, रामायण 1, रामायण 2 और KGF चैप्टर 3। अच्छा, यश ने काफी कुछ क्लियर कर दिया इस इंटरव्यू में, डिबेट तो खत्म हो गया। बाकी इनमें से यश की कौन सी मूवी के लिए तुम ज्यादा एक्साइटेड हो तुम कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।